शोले फिल्म में सबसे खास बात पता है क्या थी? जय ने वीरू का बार बार चूतिया काटा था। जय अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक सिक्का उछालता रहा और बेचारा वीरू उनके हर फैसले को किस्मत का लेखा मानता रहा। इमोशनल फूल, वो कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हमारी कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, मगर एक ट्विस्ट के साथ। तो 1975 से निकलकर जरा आइए 2020 में और मिलिए आज के जय और वीरू से। सबके दिलों की जान, बॉलीवुड की आन बान शान। एक मिनट, ऐसा मैं नहीं, ये खुद कहते हैं श्रीमान जनार्दन गंदोत्रा मनपाल उर्फ जय। ये फिलहाल एक स्ट्रगलिंग एक्टर हैं और क्या, स्ट्रगलिंग एक्टर ही हैं। और ये महाशय जो इस वक्त अपनी शर्ट की सिलवटों से जंग लड़ रहे हैं, ये हैं एमएलए के गेस्ट, आई मीन पेइंग गेस्ट, यंग, हैंडसम और एकदम वन वुमन मैन। यकीन नहीं होता तो देखिए, अभी तक इनके जीवन में सिर्फ यही एक स्त्री है, बाकी सब मिस्ट्री है। वीरेंद्र चौबे उर्फ वीरू। लोग अपने काम से एमएलए बनते हैं और ये अपने नाम से एमएलए हैं। शॉर्ट फॉर्म के जमाने में जैसे सारे बेबी बे हो गए, ओके के हो गए, वैसे ही मनोहर लाल अवस्थी भी एमएलए हो गए। इनकी प्यारी पत्नी शोभा अवस्थी, जैसे लोगों को खांसी जुकाम होता है, इन जनाब को ठीक वैसे ही इश्क होता रहता है, मगर लड़कियों से नहीं। अरे अरे अरे, मेरा वो मतलब नहीं, इनके इश्क का पारा भाभियों को देखकर चढ़ता है। ये हैं एमएलए साहब के साहबजादे चतुर अवस्थी। हैप्पी गो लकी गर्ल, स्वैग इसका गहना है और ये चतुर की बहना है। ये नेहा हैं, सबसे अनोखी बिजली बाई, लेकिन इनके सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है, आपको पता चल ही जाएगा। क्या है? हाँ चलो आ रहा हूं। चिरंजीव वीरू, पैर छुओ, जीते रहो। अब समय आ गया है कि हम तुम्हें वो खुशखबरी सुनाएं जिसका इंतजार हमें बरसों से था। बेटा, जब तुम 4 साल के थे ना, तो हमने और तुम्हारे पूज्य पिताजी ने तुम्हारा रिश्ता गाजीपुर वाले मोहन मिश्रा जी की लड़की लक्ष्मी से तय कर दिया था। लड़की पढ़ी लिखी है 5वीं तक। बेटा, अब जब तुम अपने पैरों पे खड़े हो गए हो तो जल्दी से छुट्टी लेकर गांव आ जाओ और 1 से 2 हो जाओ। लड़की की फोटो भी भेजे हैं खत के साथ। तुम्हारी प्यारी माँ फूलवती। ओह फक। ये मेरी लंका मैं यहाँ का लंकेश। ठीक है यार। अरे जय, हाँ भाई, एक सिगरेट दे यार। हाँ दे रहा हूँ। ये मेरी लंका मैं यहाँ का लंकेश। जय भाई, मुझे नौकरी से निकाल दिया यार, पता नहीं किस हरामजादे ने मेरी शिकायत कर दी। ये मेरी लंका मैं यहाँ का लंकेश। कोई जॉब हो तो बताओ ना, पर तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी। अरे उसे क्या बोल रहे है तू, उसी ने नौकरी से निकलवाया तुझे।
वीरू भाई ओ शिट वीरू क्या बंदी है ब्रो बाय गॉड नजर ना लगे ठीक से देख नजर को वो खुद लग जाएगी और वो भी जोर से अब तुझे पता नहीं वीरू तू कितना लकी है ब्रो बाकी मर्दों की जिंदगी इसी इनसिक्योरिटी में गुजर जाती है कि उनकी बीवी को कोई ना पटा ले और तू तेरी लाइफ में तो भाई बढ़िया है इसे तो कोई देखेगा ही नहीं अबे इसे छोड़ इसके चक्कर में तुझे भी कोई नहीं देखेगा बीवी भी बॉडीगार्ड भी मजे ले रहा है साले यहाँ मेरा पिछवाड़ा फटके पेटी कोट हुआ पड़ा है और तू ये मेरी हेल्प करने के बजाय चुतियापे वाले लॉजिक दे रहा है अबे तो मना कर देना उन्हें अबे ये 4G के जमाने में तू जी मार जी करता फिरेगा तो कैसे चलेगा ब्रो साफ साफ बोल दे जिससे तेरा डिक जिससे तेरा दिल चाहेगा तू उसी से शादी करेगा साफ साफ बोल दे खुल के ये है मेरी लंका और मैं हूँ यहाँ का लंकेश बे कौन चूतिया चिल्ला रहा है बे जा तू जा और तेरी लंका बचा मैं मेरा कुछ सोच लूंगा अबे तू मेरी माँ को नहीं जानता धीरे बोल माँ के पैकेजिंग के रूप में भूखी शेरनी है कच्चा चबा जाएगी मुझे शादी ना करो तो माँ मार डालेगी शादी करके तो जीने की इच्छा वैसे भी खत्म हो जाएगी कुछ कर यार सोचते हैं कुछ भाई रिलैक्स रह तू शांत हो पहले देख वैसे तेरा दिमाग बड़ा खुराफाती है आज तो तेरे पास 10,000 चक्कर चला दे गंदे आदमी सुन मेरी एक काम कर एक आईडिया यहाँ पे ना छोटी मोटी शादी कर ले भाई सुनना कुछ मत करियो जब मम्मी के पास ले जाएगा ना मम्मी कुछ बोले बीवी को आगे कर दियो दोनों महिलाएं आपस में निपट लेंगी है ना क्या बोलता है अबे मजाक समझ रखा है क्या अब इतनी जल्दी लड़की कहाँ से मिलेगी हाँ वैसे यार ये बात तो सही है लड़की अरे जय हाँ जी सर अरे कल एक शूटिंग है औरत का रोल है करेगा क्या हाँ सर बिल्कुल करूंगा आप जो बोलोगे वो करूंगा वैक्सिंग बिंदी पाउडर मेकअप सब कर लूंगा सर इतनी सुंदर लड़की बन के आऊंगा कि मुझसे ज्यादा सुंदर तो लड़की खुद नहीं लगती होगी सर एक छोटा सा फेवर बस मुझे अगर सर स्क्रिप्ट मिल जाती ना टाइम पे फाड़ देता मैं परफॉर्मेंस देखते आप डायलॉग नहीं है बस तुम एक लाश हो चार लोग तुम्हें बोरी में भरेंगे और नदी में फेंक देंगे अच्छा और बस यही है बस मैन चुप सच्चे कलाकार की कदर ही नहीं है ब्रो आई नीड चैलेंजिंग रोल्स मैन लेकिन मुझे तेरे हुनर की कदर है मेरे दोस्त अब तो अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मजेदार रोल करने वाला है क्या बात कर रहा है नहीं 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 भाई झुक झुक जियो बेटा ये तो बहुत ही खुशी की बात है इस घर में एक बहू की कमी थी आज वो भी पूरी हो गई अरे अरे ऐसे कैसे पूरी हो गई अभी मेरी वाली भी तो आएगी ना बस आप मेरी एक बार शादी करवा दो साल भर में आपको दादाजी ना बना दिया तो मेरा नाम भी चतुर नहीं पहले तू अपना फिजिक्स का प्रोजेक्ट बना ले बड़े दादाजी बना रहे हाँ हाँ हमें भी भाभी का चेहरा देखना है हाँ हाँ ठहर जा अरे वाह ये तो एकदम चांद का टुकड़ा है अरे हटिए भाभी के साथ एक फोटो हो जाए पूछ रही है तुम्हारी बहन कहाँ है
वो बाहर गई है। अच्छा अच्छा छोड़ो सब, तुम दोनों थक गए होंगे, चलो रूम में चल के आराम कर लो। कमरे में कौन आराम करता है यार? बे कौन है वो चूतिया है? यहाँ पे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं छुआ आज तक, यहाँ पे लौंडे छू रहे बहनचोद। अबे यार ओवर एक्ट कर रहा है यार तू। नई नवेली दुल्हन को देखकर एक्साइट हो जाते लौंडे। बेटा अगर मैं एक्साइट हो गया ना वो मोटे की चाल टेढ़ी कर दूंगा मैं, समझा? देख वीरू तू एक काम कर, तू फटाफट हमारी फोटो ले, अपने घर वालों को भेज, और ये बाकी की नौटंकी ना इन नमूनों से करवा लियो भाई, मैं चला। कुछ दिन की बात है यार। कितने दिन? देख मैं कल ही पापा को फोन करूंगा और उनसे कहूंगा कि माँ को ना बताए। फिर माँ को बता देंगे। उसके बाद फिर कुछ दिन माँ नाराज रहेगी और उसके कुछ दिन बाद मैं माँ को कॉल करके माफी मांगूंगा और कुछ दिन बाद माँ मान जाएगी। अबे कुछ दिन कितने दिन? ज्यादा नहीं। एक महीना। अबे एक महीना मैं इस काकरे चूल में बंद रहूंगा बैंचो। दोस्ती में इतना नहीं कर सकता यार तू। इतना तेरे चक्कर में मैं जैसे जया बन गया वो का कम है? अब क्या सेक्स चेंज ऑपरेशन करवा लूं सर्टिफिकेट के लिए? ठीक भाई मैं अपनी बंदी से कैसे मिलूंगा ब्रो? मुझसे नहीं होने वाला। मजा यार प्लीज जाने दे। हट वीरू 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 हट वीरू हट जा। भैया आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। हाँ किसी को बिना बिताए शादी कर ली। भाभी की शक्ल देखनी है, दिखाइए ना सबने देख ली। मैं रह गई एक सेकंड। ये है मेरी जया और ये नेहा। सीम्स मैंने आपको कहीं देखा है। आपका कोई भाई है क्या जिसकी शक्ल? नहीं 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 इसका कोई भाई बहन नहीं है, ये अनाथ है। ओह सॉरी भाभी। डोंट वरी हाँ, हम हैं ना आपकी फैमिली, हम सब साथ मिलकर रहेंगे। ऐसे रिश्ते में तो मैं आपकी ननन लगी, बट हम फ्रेंड्स की तरह रहेंगे जी। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप सीधा मेरे पास आना। कांग्रेचुलेशंस भाभी। ओके बाय, गुड चॉइस। अबे कुछ बोला क्यों नहीं? कितनी बातें कर रही थी तुझसे? यार मानना पड़ेगा बड़ा फेमस एक्टर है तू, बहुत लोग जानते तुझे। हाँ नहीं अभी जानती है तुझे? हाँ बहुत करीब से, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ओह अच्छा क्या?